हाई डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। या सो फ्रेंड्स, बिना देरी करे मैं आपके साथ डाउनलोड शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। सुपर कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है ये। बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग है, या मेल या फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये। आप की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, बहुत ऑब्सेस्ड है। ये कुछ इस प्रकार का प्यार है कि वो मन में ही अपने प्यार को रखते हैं। वो आपसे एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि आप बेटर पर्सन को डिज़र्व करते हो, एंड वो आपसे खुद को इन्फीरियर मानते हैं। एंड हो सकता है आप भी इस पर्सन से प्यार करते हो, पर ये पर्सन अपनी खुद की इन्फीरियोरिटीज़ की वजह से आपके कॉन्फिडेंस से डरता है, ठीक है, आपके कॉन्फिडेंट नेचर से डरता है, आपके कॉन्फिडेंट बिहेवियर से डरता है। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के, और इस पर्सन ने अपने डर की वजह से अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को एंटरटेन किया है जो इसकी ईगो को फीड करते थे, ठीक है, इसकी झूठी तारीफें करना। जो लोग इसकी आत्मा से अवेयर नहीं है, ठीक है, इस पर्सन को झूठी तारीफें सुनना हो सकता है बहुत पसंद हो। या सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो तारीफों के जाल में फंस जाता है। सो जो कोई भी उस पर्सन की तारीफ करता है वो उसके उसको एंटरटेन करने लगता है, एंड आपका सामना वो पर्सन नहीं कर सकता है क्योंकि आप हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन हो। आपको वो पर्सन पेडिस्टल पर रखता है, और इस पर्सन ने कई बार आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन डीप विद इन ये पर्सन फील करता है कि कोई भी आपके जैसा नहीं है इस दुनिया में। ये बात ये पर्सन अच्छे से जानता है कि आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, और आप जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। सो इस पर्सन ने तारीफों के चक्कर में फालतू लोगों को एंटरटेन किया है, बट बाद में इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये किसी को भी आपकी जगह नहीं दे सकता है, ठीक है, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जी अपने आप में यूनिक है। सो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कंपेयर करके इस पर्सन ने बहुत गलती करी है, ठीक है, आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। एंड डीप विद इन इस पर्सन को ये भी पता चल रहा है कि ये इसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस को एंटरटेन करना ये इसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है। लो सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन है ये। हो सकता है इस पर्सन को बचपन से ये चीज़ सिखाई गई हो कि खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, अपने मन की बात को खुलकर बोलना नहीं चाहिए। हो सकता है ये ऐसे एनवायरमेंट से आता हो, इसी वजह से इस पर्सन को खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है, ठीक है, इसी वजह से ये पर्सन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन खुद की फीलिंग्स को दबाते दबाते ना, खुद की फीलिंग्स को सप्रेस करते करते थक चुका है, ठीक है, और अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ की वजह से ये आपसे भागते भागते भी थक चुका है। तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि यह उसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है कि वो आपके सामने इनसिक्योर फील करता है। हो सकता है उस पर्सन को ये भी पता है कि आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, एंड इसी वजह से वो ऐसा फील करता है कि शायद आप उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करो, शायद आप उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो इस वजह से भी उस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, इस वजह से भी उस पर्सन ने ऑप्शंस को एंटरटेन करने की कोशिश करी है। या सो ऐसा कोई पर्सन यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में जो फिलहाल थक चुका है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते करते, अपनी रियलिटी से भागते भागते, ठीक है, अपनी खुद की इनसिक्योरिटीज से वो पर्सन अवेयर हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। सो ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर गया है। Okay.
राइट, यही बात मैं आपको कह रही हूँ ना, इस पर्सन ने अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है, लैक ऑफ लव की एनर्जी रही है, तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, ये फोकस्ड है चीज़ों को ठीक करने पर, ठीक है, ये चीज़ों को रेक्टिफाई करना चाहता है, आपसे खुद को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है, ये चीज़ उस पर्सन को पता चल गया है, एंड ये पर्सन चाहता है आपसे अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस करना, ठीक है। सो ये यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, या सो इस पर्सन ने सारे ऑप्शंस को भी आउट कर दिया है अपनी लाइफ से, ठीक है, फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है, एंड अभी फ़िलहाल ये पर्सन यू नो रिकवर कर रहा है, जो भी इसने गलतियाँ करी आपको कंपेयर करके, ठीक है, जो भी इमेच्योर बिहेवियर इस पर्सन ने दिखाया है, ये पर्सन काफ़ी डिफरेंस फील करता है आपके और खुद के बीच में, ठीक है, इसको पता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो एंड बहुत ज़्यादा केपेबल हो, सुपर केपेबल पर्सन हो, या आपके अंदर चीज़ों को बिल्ड करने की शक्ति है, ठीक है, आप एक्चुअल में बहुत लैविश हो, बहुत रॉयल हो, ठीक है, बहुत लग्जूरियस पर्सन हो, और ये पर्सन आपके आगे इमेच्योर फील करता है, ठीक है, आपके आगे ये पर्सन इन्फीरियर फील करता है, या हो सकता है आपकी अभी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, कोई यू नो कुछ हैप्पीनेस नहीं है आप लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल, चीज़ें हो सकता है आपने इनको अनफ्रेंड किया है, आप इनसे टच में नहीं हो, या आपके और इनके बीच में अभी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं, या सो ये पर्सन अभी पास्ट मेमोरीज में खोया हुआ है, ठीक है, ये पर्सन देख रहा है कि आप अब उतने इमोशनल नहीं रहे हो, सकता है पास्ट में आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, है ना, आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं थी इस पर्सन के लिए, लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके अंदर उतने ज़्यादा इमोशंस नहीं है, अब आप उतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो इस पर्सन के लिए, राइट, हो सकता है ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर हो, या फिर हो सकता है कि ये आपको एज अ यू नो एज अ मैरिज मटेरियल देखते हैं, शादी के हिसाब से देखते हैं, आपकी मैरिज में किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी या किसी की इंटरफेरेंस देख रही हूँ मैं, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हैं, ठीक है, तो आपकी शादी में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्पेल वर्क किया गया था, ठीक है, डेफिनेटली स्पेल वर्क किया गया था, लेकिन ये बैकफायर हो चुका है, या ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस पर्सन के साथ, ये आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, सो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को ये प्रॉब्लम है कि वो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को, ठीक है, वो खुद को इन्फीरियर मानते हैं आपके आगे, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, आपकी शादी में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक है, या सो आपकी अगर मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही थी ना, तो आपकी मैरिड लाइफ में चीज़ें ठीक होने वाली हैं, ठीक है, परिस्थिति सुधरने वाली है, जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ है, मैजिशियन और थर्ड पार्टी, या मैजिशियन एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ये बता रहे हैं कि पास्ट में, रीसेंट पास्ट में कुछ स्पेल वर्क किया गया था आपकी शादीशुदा लाइफ को खराब करने के लिए, या ठीक है, लेकिन चीज़ें ठीक करी जा रही हैं ईश्वर की तरफ से, ठीक है, यूनिवर्स रिपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, हील कर रहे हैं वो सिचुएशन को आपके और आपके पार्टनर के बीच में, मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत प्रयास किया है इस रिश्ते को निभाने के लिए, या सो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं इस रिश्ते में,
ठीक है, लेकिन आप फिर भी हेल्पलेस फील करते हो और इसी वजह से आपने अब प्रयास करना बंद कर दिया है, प्लस आप इमोशनली भी क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो मुझे, ठीक है। आपका दिल तोड़ा इस पर्सन ने, ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन हुई है ना, इस पर्सन ने जो आपको हर्ट किया है ना, ये किसी स्पेलवर्क की वजह से किया है इस पर्सन ने, ठीक है। कोई ऐसा स्पेलवर्क किया गया था इसके ऊपर जिसका इस पर असर था एंड इस वजह से ये पर्सन आपको हर्ट कर रहा था, ठीक है, या कर रही थी। तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। कोई ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसे हेटर्स हैं जो आपकी प्रोग्रेस को ब्लॉक करना चाहते थे, ठीक है, या वो आपको प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो इस प्रकार के लोगों ने टारगेट किया है आपको, लेकिन ये सब कुछ बैकफायर हुआ है, ठीक है। जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है बची कुची, ये भी बैकफायर होनी चाहिए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100, ठीक है, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस नेगेटिव एनर्जी को वापस वहीं फेंका जाए जहां से ये नेगेटिव एनर्जी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर। या तो जो भी ये सिचुएशन थी ना, ये सारी परिस्थिति अब हील होगी, ठीक है, इसमें सुधार होगा। आपकी मैरिड लाइफ में अब सुधार होगा, ओके। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं, आपके पार्टनर भी इमेच्योर फील करते हैं आपके आगे, या आपके पार्टनर भी इन्फीरियर फील करते हैं आपके आगे, प्लस ये जिस पर्सन ने स्पेलवर्क किया है ना आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, ये पर्सन भी इन्फीरियर फील करता है आपके आगे, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपसे यू नो मेंटली इमेच्योर है, या फिर एज में छोटा है, किसी न किसी प्रकार बहुत छोटी सोच है इस पर्सन की, जिस किसी ने भी इस प्रकार का स्पेलवर्क किया है आप पर, ओके। सो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन विक्ट्री आपकी हुई है, चीज़ें ठीक होंगी, परिस्थिति सुधरेगी, आपके फेवर में आएगी सिचुएशन, ठीक है, ओके। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के, एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। या यू इंस्पायर मी, सो आपसे बहुत इंस्पायर होता है ये पर्सन, ठीक है, आपको पेडेस्टल पर रखता है ये पर्सन। सो आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं आपके पार्टनर, जो आपसे इन्फीरियर फील करते हैं, ये आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, या सो आपको या सो किसी को कोई मनाने नहीं गया, ठीक है, किसी ने किसी को मनाया नहीं है, तो उनको शिकायत है। यू अनमास्क पीपल, आप लोगों को बेनकाब कर देते हो, ठीक है, लिटरली आप लोगों के नकाब उतार देते हो। सो आप लोगों की पोल खोल देते हो, जो यू नो यू एक्सपोज पीपल। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, जो आपके बारे में ही सोचना चाहते हैं, वो बस आपके बारे में ही सोचते रहना चाहते हैं। कोई बहुत दीवाना है आपका, ये पर्सन आपके पार्टनर आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं, वो आपके बहुत दीवाने हैं, बट वो एक्सप्रेस करने से डरते हैं, ठीक है, वो इन्फीरियर फील करते हैं, उनको लगता है आप किसी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, है ना। लेकिन अब आप उनके लाइफ पार्टनर हो, तो आप किसी और को कैसे डिजर्व कर सकते हो, ये चीज़ उनको समझनी होगी, राइट। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, या सो अब आपके मन में एक शांति सी रहेगी, या सो पीस ऑफ माइंड आ रहा है अब आपके जीवन में, ठीक है। यू विल लर्न न्यू स्किल, अब आप एक नई स्किल सीखने वाले हैं, ठीक है, हो सकता है आप कुछ न्यू स्किल सीखने वाले हैं बहुत जल्द। योर फैमिली विल बी प्राउड ऑफ यू दिस ईयर, आपकी फैमिली को आप पर गर्व महसूस होगा इस साल, ओके। बेस्ट सीजन ऑफ योर लाइफ, सी आपके जीवन का बेस्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आपकी लाइफ का बेस्ट सीजन चल रहा है। एंग्री, कोई किसी से गुस्सा है, बहुत नाराज है, कोई कुछ नाराजगी है किसी को। गॉसिप, सी आपके बारे में गॉसिप होती रहती है, आपके बारे में बातें होती रहती हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ठीक है, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। हेटर्स फील अशेम्ड, तो आपके जो भी हेटर्स हैं ना, शर्मिंदा हैं, ठीक है,
उनको रियलाइजेशन है कि उनकी गलतियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, उन्होंने कहाँ गलत किया है. तो आपके हेटर्स अशेम्ड हैं, उनको अपनी गलतियों का पता है. नाउ दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट. आपको बोला जा रहा है आपके साथ अगर आपके हेटर्स कुछ भी ठीक करने की कोशिश करें तो आपको रोका जा रहा है, मना किया जा रहा है. ये बैक स्टैबर्स हैं, ठीक है, इनके साथ कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. यू आर अनमैच्ड. तो आपका कोई मैच नहीं है, आपका कोई जोड़ नहीं है, आप इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. ओके, नंब एनर्जी हो सकता है, आपके हेटर्स की नंब एनर्जी है, ठीक है, इनको अभी नंब फील हो रहा है, ना खुशी फील हो रही है, ना दुख फील हो रहा है, नंब एनर्जी फील हो रही है. या आई एम सॉरी, सो आपसे कोई आई एम सॉरी कह रहा है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, लिटरली आपके हेटर्स अशेम्ड हैं, ठीक है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है उनको. या यू आर कनेक्टेड टू अ हायर पावर, आई एम टेलिंग यू. तो आपके हेटर्स को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई पावर से कनेक्टेड हो, दिव्य शक्तियों से कनेक्टेड हो, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए वो डरे हुए हैं. थ्रेट, आपसे बहुत डर लगता है उनको, आपके हेटर्स को आपसे बहुत डर लगता है, बहुत डरे हुए हैं आप, आपके हेटर्स, ठीक है, आप थ्रेट हो उनके लिए, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर. ओके, यहाँ देखते हैं क्या इनिशियल्स आते हैं, कुछ इनिशियल्स और नंबर्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं. वेल्थ, धन वर्षा, जलन, सी JLN, वेस्ट बंगाल, समथिंग अबाउट DJ, या हो सकता है कोई पॉलिटिक्स में है, BJP, DC, DCQ, ओके, डिवाइन, सी DVN, समथिंग अबाउट क्वीन, जेलस, आई एम लिसनिंग जेलस, जलन है ना, बहुत ज़्यादा जलन है लोगों को. वेडिंग, या समथिंग अबाउट वेडिंग, कोई जॉब वगैरह अप्लाई कर रहा है, BP की प्रॉब्लम है किसी को, आई एम लिसनिंग दिल्ली, ओके, न्यू दिल्ली, या न्यू दिल्ली, JJ, जस्टिस, आई एम लिस्टिंग जस्टिस, जस्टिस, किसी का नेम आ रहा है यहाँ पे क्या? ओके, एक नेम यहाँ पे चैनलाइज हो रहा है, नवल, या विपिन, नवल, ये नेम्स यहाँ पे चैनलाइज हो रहे हैं. CJ, यही नेम्स यहाँ पे चैनलाइज हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है. सो ये कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे, नंबर्स तो आए नहीं है यहाँ, सिर्फ लेटर्स आए हैं. ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं, राइट. सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स. एंड जिस किसी ने भी अपने लिए कॉम्बो ऑर्डर किया है, कवच और पेंडेंट का, आपको ये इस फॉर्म में रिसीव होने वाला है, ठीक है. ये प्योर सिल्वर के ऊपर है, राइट. मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्योर सिल्वर के ऊपर है. एंड आप अगर कॉम्बो ऑर्डर करते हैं तो आपको ये इस फॉर्म में रिसीव होगा. एंड अगर आप अपने लिए सिर्फ पेंडेंट ऑर्डर करते हैं तो आपको ये इस फॉर्म में रिसीव होगा, राइट. एंड कवच आपको इस तरह से कुछ रिसीव होगा, राइट. सो ये कवच और पेंडेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये अपने आप में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को समेटे हुए है, ठीक है. ये आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, ठीक है. एंड सारी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करके
आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो फील फ्री टू मेल मी अगर आपको अपने लिए कवच और पेंडेंट चाहिए, ठीक है। मेरी ईमेल आईडी है divine24hours@gmail.com, आप मुझे मेल कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू मेल मी, डू नॉट हेजिटेट एट ऑल, ठीक है। सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।